कुल्लर में आपने चाय और लस्सी तो जरूर पिया होगा, लेकिन कभी कुल्लर में आपने पिज्जा खाया है? जी हाँ, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, कुल्लर पिज्जा। बनाना इसे बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में बनके ये तैयार हो जाता है। तो अगर आप भी कुल्लर पिज्जा ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले यहाँ पे हम फिलिंग की तैयारी कर लेते। तो एक बॉल लिया है, बॉल में मैंने यहाँ पे 4-5 ब्रेड को इस तरह से क्यूब के साइज में मैंने काट लिया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके वेजीज डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए शिमला मिर्च लिया है और थोड़ा शिमला मिर्च अलग से रख लूँगी क्योंकि ऊपर से हमें टॉपिंग भी करना है। थोड़े टमाटर लिए हैं, सभी को मैंने क्यूब के साइज में काटा है और एक ही साइज में काटिए तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्न। थोड़े से कॉर्न को मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि बाद में हमें ये फिलिंग में डालना है। अब इसमें जाएगा पनीर, तो पनीर को भी मैंने उसी साइज में काटा है। पनीर सब डाल देंगे इसमें और थोड़े पनीर को हम अलग से रख लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ डाइस वाले चीज़। अभी थोड़ा ही ऐड करेंगे, बाद में इसका बहुत ही काम पड़ने वाला है क्योंकि बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बनके ये तैयार होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अभी चीज़ डाला है, अब इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे। फिर बाकी के बचे हुए सॉस भी धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाला है, थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला है और थोड़ा सा चिली सॉस डाला है। सभी सॉस डालने के बाद इसे हम एक बार चला लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से चला लिया ताकि सभी सॉस सभी वेजीज में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पे पेरी पेरी मसाला और थोड़ा सा इसमें हर्ब्स डालूंगी। तो यहाँ पे ओरिगेनो हर्ब्स डाला है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है और ये सभी चीज़ डाल के वापस हम एक बार चला लेते हैं। तो ये हमारा फिलिंग तैयार है। देखिए कितना बढ़िया फिलिंग बन के रेडी हुआ है। चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब कुल्लर पिज़्ज़ा की बात हो रही तो कूलर तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस साइज़ के कूलर लिए हैं और 2 छोटे कूलर भी लिए हैं। तो मैं आपको दोनों में बताऊँगी और कैसे कैसे बनाना है इसे भी बताऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी देखिए इसका फिलिंग हमें करना कैसे है। तो पहले मैं बड़े वाले में फिल कर रही हूँ। पहले ये जो फिलिंग हमने तैयार किया है वो पहले हम डालेंगे और इसे डाल के अच्छे से चम्मच से आप इसे थोड़ा सा दबा दीजिए। फिलिंग अच्छे तरह से फिल करिएगा। अब इसे दबाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा मेयोनीज और थोड़ा सा सॉस। सॉस डालने के बाद अब इसमें जाएगा डाइस चीज, तो भर भर के डालिए। बहुत चीज़ी पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है और इसे अच्छी तरह से पहले दबा देते हैं। अब उसके बाद वापस से जो हमने फिलिंग तैयार किया है वो डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से प्रेस कर देते हैं। अब वापस हम इसमें डालेंगे चीज़। तो चीज़ के 2 लेयर है इसमें, इसीलिए ये बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए चीज़ को अच्छे से ऊपर तक मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। बहुत ऊंचा सा रखिएगा क्योंकि जब हम इसे माइक्रोवेव में डालेंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है, इसीलिए लेयर अच्छे से ऊपर से आपको फिलिंग करना है। अब जो ऊपर का लेयर हमने फिल कर दिया है, अब एक्स्ट्रा जो हमने कॉर्न और शिमला मिर्च और पनीर थोड़ा सा बचा के रखा था वो इस पर हम टॉपिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए, मर्जी है आपकी, जो जो आप वेजिटेबल इसके ऊपर डालना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ऊपर से वापस से थोड़ा सा हर्ब और पेरी पेरी मसाला से हम डेकोरेट कर देंगे। थोड़े से इसमें पनीर के टुकड़े भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऑलिव्स भी डाल देंगे। तो ऊपर से इस तरह से आप इसे सजा लीजिए। तो ये देखिए कूलर हमारा रेडी है फिल होके। अब इसी तरह छोटे कूलर में भी हम फिल कर लेंगे। कुल्लर हमारा रेडी है, अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, हम इसे कढ़ाई में भी बताएंगे आपको कैसे बनाना है। तो देखिए कढ़ाई में पहले बता रही हूँ, कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने दे दिया था। इसमें छोटे वाले मैंने यहाँ पे कुल्लर रखा है। अब इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए लो टू मीडियम फ्लेम के लिए। दूसरा मैंने माइक्रोवेव में डाला है, अब इसे 2 मिनट के लिए हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बच्चे अगर आपको जिद करें तो फटाफट फिलिंग तैयार करिए, कूलर में भरिए और ये रेडी हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव में रखा है।
दो मिनट के बाद इसे देखिए माइक्रोवेव से मैंने निकाल लिया है। कितना बढ़िया चीजी दिख रहा है ये, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ट्रेंडिंग में ये कुलर पिज़्ज़ा आजकल चल रहा है। तो ये देखिए मैं आपको इसे चम्मच से निकाल के दिखा रही हूँ, कितना चीज़ी कितना टेस्टी लग रहा है। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो ट्राई करिए। और अब कढ़ाई वाला देख लेते हैं, तो 10 मिनट हो चुका है। ये देखिए ये भी हमारा बन के तैयार है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको पसंद है उस ऑप्शन में आप बनाइए। तो ये भी बहुत ही टेस्टी बना है, ये छोटे कूलर वाला जो हमारा पिज़्ज़ा है। देखिए कितना ऊपर से अट्रैक्टिव लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप प्रॉपर पिज़्ज़ा बेस के साथ बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाके चेक करिए और पिज़्ज़ा बेस के साथ आप बनाइए। बहुत ही चीज़ी और टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये मेरी यूनिक सी रेसिपी पसंद आई तो अपने फैमिली मेम्बर में और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।